सही बताओ ना भाई, तो आज ऐसी कंडीशन हुई ना कि कुल मिला के पूरा मरते मरते बचे हैं, ऐसा समझ लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के लगभग दोस्तों अभी 8 बज रहे हैं और आज मैं अपना व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रहा था आप लोगों तक, सोच रहा था व्लॉग जो है वो 8:30 बजे से पहले पहुंच जाए, लेकिन आज किस्मत खराब है कि इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कोशिश तो अपनी पूरी है कि व्लॉग जो 8:30 बजे से पहले अपलोड हो जाए। अब ऐसा होता या नहीं होता वो तो इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, बट इंटरनेट स्पीड फिलहाल के लिए अभी बहुत बेकार चल रही है। थैंक यू। तो लो जी, गर्मा गर्म चाय भी आ गई। एक चीज तो बड़ी अच्छी लगती है जब मॉर्निंग में सिस्टर आती हैं और चाय देके चली जाती हैं। जब तक ये है तब तक तो भाई आती रहेगी चाय, बाद में क्या होता है मुझे नहीं पता। खैर अभी फटाफट से चाय पीते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर और बताता हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। दोस्तों अभी तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि स्नोफॉल भी गिर रही है और साथ में बारिश भी हो रही है। सामने वाले पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा स्नोफॉल जो वो डाउन आ रही है, मतलब फिर से स्नोफॉल गिरेगी, फिर से कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा। इसलिए थोड़ा छतरी लेके अभी मैं बाहर निकला था और अभी मुझे समझ आ गया एक्चुअल में कि क्यों जो है वो नेटवर्क स्लो आ रहे थे और किसकी वजह से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही। तो अभी फटाफट अंदर चलता हूँ। अभी बात दोस्तों ये हो रही है कि मुझे जो है ना इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है। अब निकलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कल दीक्षु और जीजू जी आए थे, तो जीजू जी के घर में कोई भी नहीं है। वहाँ पे जो उनके पशु हैं घर में, मतलब उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं, मम्मी पापा भी वहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसे में जीजू का घर जाना बहुत ज़रूरी है और स्नोफॉल गिर गई तो भाई हो जाएगा इशू। जीजू बाइक लेके आए तो बाइक में तो वो जा नहीं सकते, तो उन्हें बोला कि यार चलो गाड़ी में छोड़ दो। तो अभी फटाफट मैं बढ़ रहा हूँ फिलहाल रोड की तरफ। छतरी दीक्षु और जीजू जो है वो पीछे से लेके आ रहे हैं, मैं गाड़ी को थोड़ी गर्म कर लेता हूँ जाके। ये देखो भाई ये खड़े हैं इमरजेंसी वाले। फंसे यहाँ पे। फंसे क्यों भाई, रह लो ना, कोई बात नहीं। आज आपको जाना अपने घर में। ऐसा नहीं हो सकता, मैं छोड़ के आ जाऊंगा वापस में। ट्राई टू अंडरस्टैंड जी, मैं आ ही गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे से धोखा दो। चलो चलते हैं। इस रिस्की वेदर में आपको पता है भाई ड्राइव करना मेरे लिए तो सेफ नहीं है। वैसे मैं मेरे यहाँ पे चाचा जी है, उनको बोला कि चलो आप ही छोड़ के आ जाओ, तो वो अभी जस्ट पहुँच चुके हैं। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं। अरे चाचा जी चलो जी चलते हैं। तो ये देखो भाई इमरजेंसी सिचुएशन में अक्सर यही होता है। सामने से आप देख सकते हैं वहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं। अब इन पत्थर को तो हटाना पड़ेगा, लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि ऊपर से और पत्थर ना आ जाए। खराब होता है भाई पहाड़ी एरिया में, सबसे खराब सर्कल यही है। इधर तो पकड़ दीजिए, गिर 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 गिर, हट जाओ। ये देखो यही हो रहा है, ऊपर से पत्थर जो कंटिन्यू आ रहे हैं। मैं देखता हूँ जैसे बोलूँगा हटने को हट जियो, ठीक है। चलो आगे को आप निकलाओ। हो गए, आने दो। आराम से। छोटे छोटे लाल पत्थर आ रहे हैं, बट कोई पता नहीं होता कब जो वो बड़े आ जाए। आने दो, कोई चक्कर नहीं, आराम से। ये लो जी फिर फटाफट निकलते हैं। चलो जी चलो बैठ। तो ये देखो भाई इशू जो कितने खतरनाक आ रहे हैं, सामने से रोड भी अच्छे से नहीं दिख रही और रोड भी डेंजरस है, और ऊपर से स्नोफॉल जो हो रही है ना भाई वो सीधा आके शीशे पे गिर रही है। धुंध से कुछ ज़्यादा क्लियर भी नहीं दिख रहा है, हालांकि बार बार हम एसी ऑन कर रहे हैं जो शीशे क्लियर करने के लिए, फिर भी भाई कंडीशन जो है ना वो कुछ इस तरह की है। हेलो क्या ही बोले दोस्तों, अभी जो है यहाँ से पहुँचने के लिए लगभग आधा घंटा तो लग जाएगा, राइट? तो आधे घंटे में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब टेंशन मुझे एक चीज़ की है, चीज़ा पता है, वापसी टाइम जो है ना वो क्या ऐसा ना हो दोस्तों कि जैसे कि आते टाइम आपने देखा पत्थर गिर रहे थे तो कई रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। क्या हुआ? अच्छा मत जाना, मुझे कैसे बोल रहे हो मत जाना, और खुद तो रुकते नहीं हो यार। सच में रे भाई, अभी दिक्कत होगी वापसी टाइम। कोई नहीं, आराम से जाएंगे। वैसे बहुत आराम से चलने वाला मामला तो है नहीं, यहाँ पे जल्दी भागना पड़ेगा अभी।
अभी भी मेरे को लग रहा है अभी मतलब बिल्कुल ही लो हो गए, पता मेरे इतना दिल कट रहा है ना मम्मी का, मेरे को पता कौन से आपका वो तुम तो पहुंचने वाले हो घर, तुम्हारा किस चीज के लिए भी रो रहा हूं अपना नहीं, मतलब आप लोगों के बारे में सोच के देखो कितनी सारी बर्फ पड़ गई है उधर, देखो ये नाचना अभी ये चक्कर है कि यहां पे जो डांस करती है ना गाड़ी, ये प्रॉब्लम जो बहुत हो जाती है कि ऊपर की तरफ चढ़ती नहीं है। यार अगर यहां पे कुछ इशू हो भी गया, अब गाड़ी स्लिप कर रही है और पीछे पीछे को आ रही है, बात यह है ऊपर को अच्छी तरह से चढ़ भी नहीं रही, ग्रिप मिलती नहीं इसे, तब तो ठीक है। हाँ, ये देखो भाई मैं नीचे उतर उतर के ना जो पत्थर है वो उन्हें हटाते जा रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बर्फ है बट इस बर्फ के ऊपर बिना गाड़ी जो है वो चढ़ नहीं रही, अभी पीछे को स्लिप खा रही है, हाथ काफी ठंडे हो चुके हैं। चलो तो दोस्तों कुल मिला के अभी सिचुएशन ये आ गई है कि गाड़ी जो है ना वो चढ़ने का यहाँ पे नाम नहीं ले रही है, टायर जो काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं, चढ़ाई पूरी है और नीचे का तो मतलब क्या ही बोले दोस्तों, आप देख ही सकते हो बहुत दूर दूर तक का हुआ है यहाँ पे स्नोफॉल है, मेरी टांग ऐसे नीचे से मार के इतनी जो कांप रही है। चलो ठीक है बैठो यार, अभी निकलना पड़ेगा वापसी में और खराब जगह रोड, वो सामने आप देख सकते हो वहाँ पे दीक्षु के घर है, एक्चुअली हमें यहाँ से वापस होना पड़ा, ठीक है हम आपको घर तक नहीं छोड़ पाए इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ओके जी, थोड़ी इमरजेंसी थी जीजा को, ध्यान से जाएंगे कोई नहीं, घर में फोन कर फोन कर दूंगा, आपको बोलना धीरे धीरे चलाना, कोई नहीं धीरे से ही चलेंगे, अभी उतराई में थोड़ी ना स्पीड देंगे, ठीक है ओके अभी निकलो आप जाओ आराम से ना, ठीक है फिर बाय बाय हैप्पी से रहो, हाँ आराम से जाएंगे कोई नहीं तुम टेंशन ना लो, ठीक है चलो जी। तो ये लो फिर कुल मिला के गाड़ी को हमें यहाँ से ही वापस लेना पड़ रहा है, और ठीक है जी बाय, चलो चलते हैं अब तो आराम आराम से ही जाना पड़ेगा, हाँ देखते हैं कभी गाड़ी के ऊपर भी सुनो जो वो जमने लगी है, आप मानोगे नहीं दोस्तों लेकिन सच्चाई यही है कि अभी जो हमारी गाड़ी है ना वो गाड़ी नहीं डांसिंग कार ज़्यादा बन चुकी है, देखो अपनी तरफ से जा रही है टेढ़ी टेढ़ी होती हुई जा रही है, मतलब पूरी नाचते नाचते जा रही है, कुछ इस तरह का माहौल बन रखा है, और शीशे को जो अभी मुझे खुद से साफ़ करना पड़ रहा है भाई, एसी देखो फैन ऑन है, फोर्थ पे भगा रखा है फैन उसी ऑन करके, फिर भी जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है खास, और बर्फ जो है वो कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है, तब क्या बोले स्नोफॉल है तो स्नोफॉल का एंजॉय तो ऐसे ही चलता रहता है, बाहर आप देख सकते हो धुंध इतनी ज़्यादा पड़ी है ना कि मतलब एक मोड़ से दूसरे मोड़ की तरफ देख पाना जो है वो थोड़ी टेंशन वाली बात लग रही है। चाचा कंफर्टेबल हो ना? हाँ, पूरा ओके चाचा, बिल्कुल चाचा नो टेंशन, मैं और चाचा ऐसे बैठे हुए बिल्कुल नो टेंशन, चिल मोड में अपनी गाड़ी नाच रही है तो नाचने दो, ओके चाचा, वो चाचा उल्टा मुझे बता रहे हैं कि हाँ देख कैसे नाच रही है कैसे नाच रही है, मतलब एक्चुअल में डर भी होता है बट वो अगर हम डर को ना दिखाएं, अगर ऐसे मोमेंट पे पता है आपको पता है जब रोड बाहर को ख़राब हो तो बंदे क्या करते हैं ना, कई लोग डर के मारे ही ब्रेक प्रेस कर देते हैं, ब्रेक में और भी जो गाड़ी है वो और फिसलती है नीचे को, या फिर ऐसे में वो गाड़ी छोड़ देंगे क्या रह गई है गई, तो ये सिचुएशन को संभाल सकते हैं जो यहाँ पे 24/7 चलते हैं जैसे कि चाचा। गाइस कुल मिला के अभी सीन ये है कि हमको रास्ते में रुकना पड़ रहा है क्योंकि भाई स्नोफॉल जो ना काफ़ी ज़्यादा लग पड़ी थी, मतलब आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं खाली एक घंटे में, अभी थोड़ा सा वेदर जो है वो शांत हुआ है, टाइम अभी लगभग शाम के 5 या 6:30 बजे का हो रहा है, मतलब टाइम भी मैंने देखा नहीं यार ऐसे 5 या 6 बज रहे हैं, और आसपास आप देख सकते हैं मतलब क्या ही बोले दोस्तों, हर तरफ जो है वो बर्फ़ी बर्फ पड़ चुकी है, बट यहाँ पे जो चाचा के थोड़े से रिलेटिव थे मतलब यार दोस्त थे उनके साथ हम थोड़ी देर बैठ लिए, गाड़ी भी लगा दी, तो सभी ने यही एडवाइस दी कि अब गाड़ी को आप यहीं पे रहने दो और खुद जो अब आप पैदल चले जाओ, तो ऐसा ही करना पड़ेगा, फिलहाल मुझे चलना पड़ेगा अभी पैदल, और बैड न्यूज़ ये है कि गाड़ी बहुत बड़ा सहारा थी, लाइट भी चली गई है, अभी गाड़ी का ये सहारा था कि मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर सकता था लेकिन अब वो भी नहीं कर पाऊँगा, गाड़ी मेरी यहाँ पर है घर से कम 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर, तो अब मतलब क्या ही बोले दोस्तों, यार सही बताऊँ ना भाई तो आज ऐसी कंडीशन हुई ना कि कुल मिला के पूरा मरते मरते बचे हैं, ऐसा समझ लो वापसी के टाइम के ऊपर मेरा फ़ोन बंद हो गया था, आप समझ सकते हो कुछ सिचुएशन के ऊपर मैं जो वो रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ ऐसे हालत थी, तो खैर अभी चलते हैं फटाफट घर। चलो जी अभी हम लोग ही जा रहे हैं आराम से रास्ता बनाते बनाते हुए,
हालांकि दोस्तों आप रोड पे देख सकते हैं कि हमसे पहले जो है ना किसी के फुटस्टेप यहाँ पे है नहीं। हाँ, कोई डॉगी यहाँ से थोड़ी देर पहले गुजर के गया है, तो चलो ये भी अच्छा है। बाकी आप व्यू देख सकते हो, मतलब क्या ही बोले दोस्तों, नज़ारे वाला सीन है ना पूरा का पूरा। तो अभी हो सकता है कि स्नोफॉल और हो रात को, और गिरती रहे, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहे। पता नहीं आप लोग ये फील कर पा रहे हो नहीं, लेकिन ये जो ट्री है ना भाई, अभी मुझे ऐसे लग रहा है पूरा इतना औसम ना रियल नज़रों से। और ऊपर से मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं कि बेटा कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे, मैं आ जाऊँ क्या। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, आप मत आओ, बट मैं आ रहा हूँ घर को। और चाचा भी अभी जो वो पीछे रुक चुके हैं, मतलब यहाँ पे उनका डैम साइड है जहाँ पे भी वो काम करते हैं। अभी मुझे लगभग 1 किलोमीटर जो वो थोड़ा अकेले चलना है फील लेते। बाकी चलो घर पहुँच के देखते हैं, पैर बुरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, हाथ भी बुरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। मतलब ब्लॉग में मैं क्या ही बोलूँ यार, आप समझ सकते हो खुद से भी। लगभग दोस्तों अभी अंधेरा होने को आ रहा है, एंड यहाँ पे देखो जैसा कि मेरे को सोचा था ऐसा ही हुआ। आप क्यों आ गए? मैं आपको लेने आ गए। कैसा रहा आपका सफर दीक्षा पे घर गए थे? सफर तो बहुत अच्छा रहा। और रजत तुम क्यों ऐसे झुके हुए भाई, ऐसे ऐसे करके? ठंड लगी हुई है यार, मैंने आ जाना था ना। आप लोग क्यों आ गए? ये समझ लो आपकी 1 किलोमीटर तक का रह गया सफर, वो सामने हमें जाना है और अंधेरा भी लगभग होने ही वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी घर में पहुंच चुका हूँ, काफी देर होगी घर में पहुंचे हुए। अभी टाइम है सोने का। और सच बताऊं आज पूरे दिन का एक्सपीरियंस दोस्तों, तो मेरे जहाँ जहाँ भी चोटें लगी थी ना, वहाँ पे दर्द जो वो वापस आ चुका है हर जगह पे। यहाँ हाथ में चोट लगी थी तो उंगली ना, मतलब अभी इतनी पेन हो रही है, मतलब क्या ही बोलो दोस्तों, मतलब हर जगह पे यार, टखनों से लेकर हर जगह पूरी मतलब बर्फ में ठंडा शरीर हो गया, इसकी वजह से पेन ही पेन हो रही है। अभी नींद जो काफ़ी अच्छी आएगी। और पूरा दिन का जो एक्सपीरियंस था ना दोस्तों, सही बताऊँ तो एक आज का जो दिन था वो बड़ा ही ख़राब दिन था मेरे लिए। ऐसी ऐसी वेट सिचुएशन भी आई, ऐसी ऐसी जगह गाड़ी स्लिप भी करी जहाँ पे कि लगा कि भाई शायद से घर ही ना लौट पाऊँगा। ऊपर से घर वालों ने भी आगे से दिखाया, लेने आ गए भाई, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी समझ सकते हो, थोड़ी चीज़ें कैमरा में दिखानी ओके होती है, लेकिन थोड़ी चीज़ों को हम जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उनको हम कैमरा में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, आप भी समझ सकते हो। क्योंकि भाई देखो गाड़ी की जगह तो ऐसे, मतलब एक जगह तो भाई ऐसे चली गई थी, मतलब पूरी आप समझ जाओ यार, क्या ही बोलो। तो आई होप दोस्तों आज का ये जो व्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान के आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।